वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज हिना एंड यू आर वाचिंग माय चैनल शॉपोहॉलिक हिना. सो आज का वीडियो होने वाला है एक हेयर सीरम के ऊपर. सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लिवॉन का शेक एंड स्प्रे सीरम. सो इसके बारे में मैंने काफी ज्यादा सुना था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको बाय करूं और रिव्यू दूं. तो सबसे पहले पैकेजिंग की बात कर लूं तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग है. आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है टेक चार्ज ऑफ योर हेयर इवन ऑन नो शैम्पू डे. अगर आपके पास टाइम नहीं है हेयर को वॉश करने का तो आप सिर्फ ये सीरम यूज करके भी आप रेडी हो सकते हैं किसी भी पार्टी या फिर इवेंट्स के लिए. तो यहाँ पे इन्होंने क्लेम किया है कि ये है फ्रिजी और डल हेयर के लिए, जो कि आपको इंस्टेंटली ग्लॉसी मैनेजेबल लगेंगे. अगर फ्रिजीनेस है बालों में तो वो नहीं होंगे. तो यहाँ पर मेंशन है कि पैक्ड विद सीरम ग्लॉसर एंड विटामिन बी फोर्टिफाइड वाटर. अगर मैं इसकी एमआरपी की बात करूँ तो 150 रुपीज की है. 50 ml का इसका क्वांटिटी है एंड की मैन्युफैक्चरिंग आपको मिल जाएगी 2019 की. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे ये काम करेगा. शेक वेल अंटिल इट्स ऑल पिंक, स्प्रे अवे ऑन ड्राई स्किन, फिंगर कॉम एंड स्मूथ आउट टैंगल्स. तो इस तरीके से उन्होंने बोला है इसको अप्लाई करने के लिए. तो अंदर से देख लेते हैं किस तरीके का है पैकेजिंग. तो कुछ इस तरीके से है. So, देखिए इसमें आपको दो कलर दिख रहे होंगे, एक है व्हाइट एंड पिंक. तो इसमें बोला गया है कि आपको इसको अच्छे से शेक करना है जब तक कि पिंक नहीं हो जाता. कुछ इस तरीके का ओवरऑल ये फॉर्मूला बन जाएगा यूज करने से पहले. तो इस तरीके की स्प्रे बॉटल आती है, आप देख सकते हैं नॉर्मल बॉटल है, सारी चीजें लिखी हुई है पीछे भी. जो मैं एक्सपायरी की बात कर रही थी यहाँ मेंशन है 2021 की, यानी लगभग 2 साल की एक्सपायरी है. तो देखिए मैं अभी यहाँ से सील ओपन कर रही हूँ तो कुछ इस तरीके का आपको स्प्रे बॉटल मिलती है. क्योंकि कोई भी चीज जो स्प्रे वाली चीज जो भी होती है उनमें अल्कोहल होता ही है मेनली, तो इसके अंदर भी आपको अल्कोहल मिलेगा और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट है जो कि मिलते हैं. लेकिन अगर आप अल्कोहल फ्री या फिर कुछ अजीब सी वियर्ड स्मेल से दूर रहना चाहते हैं तो फर्स्टली तो अवॉइड ही कीजिएगा क्योंकि थोड़ी सी वियर्ड स्मेल आपको मिलेगी इसकी. हेयर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा डल एंड ड्राई रहते हैं. तो मैं एक साइड ही करके दिखाऊंगी और दोनों में डिफरेंस दिखाऊंगी कि कैसे हेयर का कंडीशन है. तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं. फर्स्टली मैं इसे इस तरीके से शेक कर लेती हूँ बाय फिंगर. इसको मैं कर रही हूँ और काफी अच्छे से डिटेंगल हो रहे हैं और आपके सामने ही इसीलिए मैं कर रही हूँ ताकि आपको इसका रिजल्ट दिखने को मिल जाए. ये है एंड ये हेयर ये है. तो बिल्कुल मैं ये बोलूंगी कि यस ग्लॉसियर है, मैनेजेबल है. शाइन आप देख सकते हैं बिल्कुल इमीडिएट आ गई है. लेकिन ये कितनी देर तक रहती है ये नहीं पता. अगर मैं किसी पार्टी में हूँ या ऑफिस में हूँ और ऐसी जगह पर हूँ जहाँ से मुझे कहीं इवेंट के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. मेरे हेयर स्ट्रेट है, बालों पे तो काफी अच्छा काम कर रहा है. मैं अदर की बात नहीं कर पाऊंगी. ये वाला आप हेयर देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे हेयर हो रहे हैं. साथ ही आप ये वाले हेयर देख सकते हैं कि कितने ग्लॉसियर लग रहे हैं. अगर अल्कोहल फ्री होता तो ये और बेहतर होता और इंग्रेडिएंट्स अगर इसमें होते. मुझे अगर ट्रैवल फ्रेंडली कोई पैक चाहिए और मुझे चाहिए कि इवेंट में जाना है तो बिल्कुल आप इसे हेयर पे स्प्रे कीजिए एंड गुड टू गो. आप एक जगह पर जाने के लिए रेडी हैं अच्छे हेल्दी हेयर के साथ. इससे पहले मैंने लिवॉन का जो काफी टाइम पहले आया था वो सीरम भी यूज किया जो कि मुझे इतना खास नहीं लगा था, लेकिन ये बेटर लगा क्योंकि फर्स्टली जब बाहर जाऊंगी तो इतना टाइम नहीं कि सीरम को अच्छे से रब करूं फिर उसके बाद मैं अप्लाई करूं. और वो वेट पर ही होता था बट ये ड्राई पे होता है जो कि अच्छी चीज है क्योंकि ज्यादातर ड्राई ही होते हैं जब आप बाहर जाते हैं. तो बस आपको स्प्रे करना है, आप चाहे तो कॉम करें, नहीं तो इन्होंने जैसा बताया कि फिंगर की हेल्प से ऐड करने के बाद देन आप कॉम करें तो एक अच्छा ग्लॉसियर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा. और इसे बोला गया है कि आप कूड़े ड्राई प्लेस में रखें, एक अच्छे मेजरमेंट से दूर से ही स्प्रे करें. इसका एक अदर वेरिएंट भी आता है जो कि लोकल स्टोर्स में मिलता है जो 50 रुपीज में मिलता है. वो लगभग 10 ml तक की बॉटल होती है. सो वो भी आप पॉकेट कैरी कर सकते हैं, नहीं तो ये भी काफी बेटर ऑप्शन है क्योंकि सीरम काफी ज्यादा एक्सपेंसिव आते हैं जैसे कि आपको पता ही है. उस रेंज में तो ये मुझे काफी ज्यादा बेहतर लगा है. ट्रेवल फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली भी है और साथ ही साथ एक अच्छा इसका रिजल्ट देखने को अभी फिलहाल मिला है. सो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू अबाउट दिस लिवॉन सीरम. सो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको इसे क्यों बाय करना चाहिए और किस किस रीजन में बाय नहीं करना है. सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.